मुझे नहीं रखना पड़े, इसीलिए मैंने तेरा सौदा कर दिया है, समझी? आपने जिसका कर्जा लिया आप खुद ही उतारो ना। फैसला मैं करूंगी, मैं माँ हूँ ना, माँ की तरह तो रहो। माँ ने कर्जा ले रखा है मुझसे, चल तू को लेके जा। जा ही तेरा मेरा जो कर्जा था ना वो खत्म। अरे कहाँ लेके जा रहा है इसको? मेरे बाप से इसने कर्जा ले रखा। हाँ, बोल रही कि पैसे नहीं दे पा रही, मेरी बेटी ले जा तू। पैसे नहीं दे पा रही तो क्या करूँ? अपनी बेटी को बेचेगी क्या 6 लाख रुपए के लिए? भाई आज के टाइम में ना अगर किसी की सगी माँ इस दुनिया में ना हो ना तो रहना मुश्किल हो जाता। रहना पता है क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि जब आपकी सौतेली माँ होती है ना, वो आपको माँ की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करती, वो सिर्फ एक मशीन की तरह ट्रीट करती है आपको कि बस तू घर की नौकर है या फिर तू घर का नौकर है, तेरे को ये करना है मतलब करना है। जैसे हम नहीं होता कि किसी को हम सैलरी देते हैं तो बहुत तो होते हैं सैलरी दे के भाईचारा निभाते हैं कि भाई ये कर दियो, और एक लोग ऐसे होते जब मैं नौकरी करता था कि भाई ये काम करना है तेरे को नहीं तो तू जाएगा नहीं, तो हम मजबूर होते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, कुछ होता नहीं था, तो हम क्या करते थे उनकी बातें सुनते थे और रुक जाते थे। अगर 6 बजे जाना है तो 6 की बजाय हम रात के 11 बजे तक भी रुके वहाँ पर, मजबूर थे ये। तो फिर धीरे धीरे किस्मत खुली, आप सभी का प्यार मिला, हम यहाँ तक पहुँचे। अब जो बहन हमारे साथ बैठी हुई है इसकी कोई गलती नहीं है, बस इसकी एक ही गलती ये हुई थी कि इसकी माँ बचपन में दुनिया छोड़ के चली गई। मतलब जब ये अपने होश आवास में भी नहीं आई थी, इसको ये भी नहीं पता था कि मरना क्या होता। तब ये बड़ी हुई पता लगा इसको कि मेरी माँ, मतलब ये देखती थी मेरे आसपास की जो मम्मियाँ हैं वो तो अपने बच्चों को बहुत प्यार कर रही हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ तो मेरे साथ कुछ अलग व्यवहार हो रहा। तो इसको जब पता लगा कि सगे और सौतेले में क्या फ़र्क होता है, तब इसने अपने दिमाग में कर लिया कि हाँ भाई मुझे माँ वाला प्यार कभी नहीं मिलेगा। अब माँ वाला प्यार मिलेगा नहीं, लेकिन लड़की अभी बिल्कुल बन ठन के बैठी हुई। अगर आप एक बार ये काम करो, सुनो, कैमरे को करो जूम, यहाँ पे आप ये चप्पल से लेके चप्पल पे जूम करो, चप्पल से लेके जूम करो, यहाँ पे शॉर्ट्स पहन रखे हैं लड़की ने, शॉर्ट्स से ऊपर देखोगे तो इन्होंने जो है एक क्रॉप टॉप पहन रखा है और बाल वगैरह अच्छे बनाए हुए हैं, और जबकि ये खुद तैयार नहीं हुई, इसको तैयार कराया गया। लड़की की जो सौतेली माँ है उसने किसी के बाप से कर्जा ले रखा है, जो कर्जा चुका नहीं पा रही इसकी सौतेली माँ जो कर्जा चुका नहीं पा रही ना, उसके बलबूते पे आज अपने सौतेली बेटी को किसी और के हवाले कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आई है। मतलब घर से भाग के यहाँ पे आई है, और जब यहाँ पे आई तो इसकी सौतेली मम्मी का फ़ोन आया, कहाँ ये वो, अब वो यहाँ पे आ रही है कि तू आज जाके ही रहेगी क्योंकि मैं पैसा नहीं दे पा रही। एक बार ही बताओगे क्या कुछ कैसे हुआ था थोड़ा? मतलब जो मेरी सतोली जो मम्मी है ना, मतलब मुझसे बिल्कुल भी अपने जैसा प्यार नहीं करती है, मुझे ना एक तरह से छेक रखा है ना, मुझसे कुछ बोलती है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया, उन्हें किसी से कर्जा ले रखा होगा, फिर मेरे को उनके बेटे के हवाले कर रही कि तू उससे शादी कर ले, ये सब बोल रही है मुझसे। शादी की बात तो देखो दुनिया के सामने होती है। हाँ। अब आपको चाहे समझ ना आ रहा हो, मैं आपको भाई होने के नाते बता रहा हूँ। हाँ। कि आप उस लड़के के साथ मत जाओ, चाहे आपको पिटना पड़े, जाते जाते रोड पे चिल्लाना पड़े या फिर गिड़गिड़ाना पड़े, बट मैं शादी करना नहीं चाहती उससे ना, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ कि मतलब वो समझ रही हो, आपको कोई आपकी सौतेली माँ अगर पैसे नहीं दे पा रही और आपको लड़के के पास भेज रही है। हाँ। तो अपना कर्जा उतार रही है। हाँ, चाहे वो बाद में शादी हो या फिर वो आपको आगे किसी और को दे। हाँ, मैं समझ तो घर से भाग कर आई हूँ, मैं ऐसी आ गई, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ का जो फोन आया था वो यहाँ पे आएगी अब। हाँ, वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही होंगे, मुझे पक्का पता है वो आ रही होंगी मेरे पीछे पीछे, इसलिए मैं इधर आ गई आपसे क्या मेरी बातें। ये जो बात कर रही है आपको कहीं से लग रहा है कि सौतेली लड़की है? लेकिन इसने अपने आप को 10 साल से समझा रखा है कि मैं सौतेली हूँ, माँ का प्यार नहीं मिलेगा, मुझे खुद में खुद ही खुश रहना समझा रखा हो। जब इसने खुद को समझाया कि मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, उसके बाद एक और चीज़ आ गई कि कर्जा इसकी माँ नहीं चुका पा रही है, जिसकी भरपाई ये कर रही है। और इतना मुझ पर टॉर्चर करती है ना, इतना टॉर्चर करती है कि ऐसा तो कोई अपना भी नहीं करता होगा। मैं उन्हें सारी हेल्प करती हूँ, उनके सब कुछ काम वगैरह बर्तन सब कुछ करती हूँ, इतनी हेल्प करती हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करती है।
तो अभी वो थोड़ी देर में आएगी, आप उसको बोलो कि मुझे आप अगर पैसे नहीं दे पा रहे हो तो मैंने आपका आपकी कोई नौकरी नहीं करी, आप एक काम करो, मैं अभी बड़ी हो चुकी हूँ, मैं खुद कमा के खा सकती हूँ, मुझे आपके घर पे नहीं रहना, आपने जितने साल मेरे लिए करा और जितना मैंने आपके साथ करा वो यहीं तक था, मुझे नहीं करना, आप अपने पैसे खुद भरो, मैं आपकी कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ कि आप किसी और से कर्जा लेके आओ तो इसको दे दो उसको दे दो, समझ रहे हो, अपनी भी आपकी ज़िंदगी है, आप यहाँ पे आई हो, बहुत अच्छा काम करा, लेकिन अब इसको आगे जो हमें करना है वो थोड़ा ध्यान से करना है भाई। इसको दो तीन चीज़ें और समझा देता हूँ मैं कैमरा ऑफ करने के बाद के, वो उनके आने के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें जब भी होंगी कैमरे के सामने होंगी, होप आप वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे और जो इनकी माँ आएगी आंटी जो आएगी वो डिसाइड करेंगी, जो भी होगा प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। यहाँ बैठी है तू है, तुझे मैंने कहा था कि घर से निकलना मत, कोई आने वाला है घर पर, तुझे पता नहीं कर्जदार आने वाले हैं घर पे, तू यहाँ पे आके बैठी हुई है, तो मैं आपसे पीछे छुटाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, आप मेरे पीछे पड़े हुए, मुझे नहीं करनी उससे शादी। अच्छा तू मेरे से पीछे छुटाने के लिए यहाँ पर आई है, अच्छा अब तेरे को जवान कर दी हूँ, ये महंगा 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 पहन रही है कहाँ से, इसका पैसा कौन चुकाएगा, ये आप ही ने तो मेरे को बोला ये सब पहनो, हाँ तो बोली हो ना पहनने के लिए, भी नहीं थी मैं, मुझे ये सब नहीं, तू यहाँ पर किस लिए आई है ये बताना मेरे को, मैं आपसे पीछे छुटाना चाहती हूँ भाई, मुझे आपके पीछे साथ आप पीछे छुटाऊंगी, मैं तेरा पीछा ही छुटाऊंगी, आ रहा है तेरे को लेने वाला, कौन आ रहा है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, आपने कर तेरे से पूछी हूँ मैं, तुझे रहना नहीं रहना, मुझे फैसला करूंगी मैं, फैसला मैं करूंगी, मैं माँ हूँ ना, मैं फैसला करूंगी, माँ की तरह तो रहो, आप तो मेरे साथ इंसाफी कर रहे हो, अरे क्या ना इंसाफी कर रही हूँ, क्या जिंदगी भर क्या ऐसे मेरे छाती पे बैठ के मुंह डालेगी, क्या किसी के घर नहीं जाएगी ना, मैं उसका अदब पता, मेरे को पता है क्या है वो क्या करता है, मैं उससे ऐसे नहीं जानना पड़ेगा, नहीं जानना पड़ेगा, शादी के बाद सब जान जाएगी, नहीं मुझे नहीं, उसके साथ जा, सुन सुन तू उसके साथ जा, वो तेरे को जान जाएगा, तू उसको जान जाएगी, और वैसे भी औरत है, तू जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, मम्मी जी मुझे उससे शादी नहीं करना है, मैं खुद ही कमा के अपना खुद ही कर लूंगी, मुझे उससे अच्छा अच्छा तू खुद ही कर लेगी, और जो ऐसे मोटे मोटे गड्डी ले रखे उसके बाप ने दे रखे वो कौन कौन चुकाएगा, आपने लिए तो आप उसे दो ना, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप, अच्छा वो मैंने लिए थे, मेरे भी उड़ाए क्या मैंने लेके, तो किसने उड़ाया, आपने मुझे एक कोटी रुपए भी नहीं दिए, और जो वो मोटे मोटे रोटी खाती है घर पे चार चार आटक वो बिना पैसे के आते हैं, मैं नहीं खाऊंगी रोटी, मैं खुद ही कमा, अब से नहीं खाना, अब चले जाना फिर बैठा भी, मैं उसको यहीं पर बुलाती हूँ, फोन करती हूँ, यहीं पर आता है, यहाँ से आकर तुझे लेके जाएगा वो, नहीं मेरे को नहीं जाना है, मुझे क्यों नहीं जाएगी उसके साथ, बस बात खत्म, आपने मैं फैसला कर चुकी हूँ, तू उसके साथ जाएगी और उसके साथ ही जाएगी, समझी, मुझे नहीं जाना उसके साथ, मैंने आपको बोल दिया, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, बात समझ गई मैं तेरी, यहाँ पर पार्क में आई है गुलछर्रा उड़ाने के लिए, आपसे पीछे छुटाने के लिए मैं यहाँ आई हूं, मैं यहाँ पे आने का मेरा कोई शौक नहीं है, ठीक है पार्क में आगे बैठू मैं आराम से, कोई शौक नहीं, मैं बोली कहीं जाना मत, तैयार हो के घर में रहे तो महारानी यहाँ पर आ गई है, है? मुझे नहीं रहना, क्या नहीं रहना, नहीं रहना रखूंगी नहीं, नहीं अब नहीं रखूंगी, मुझे नहीं रखना पड़े इसीलिए मैंने तेरा सौदा कर दिया है, समझी, और जैसे सिखाई हूँ वैसे तू करेगी, आप किसी के साथ में भी ऐसा करने लग जाओगी मेरे साथ भी, नहीं तो क्या तेरा तूने पसंद कर रखा है क्या किसी को, हाँ कर रखा है, अच्छा कुछ भी आप बोलोगे, मैंने किसी के साथ पसंद नहीं किया, मुझे किसी के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे नहीं है ना, तो बस जिसके साथ भेज रही हूँ चुपचाप से चली जानी, अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं जाना, आप समझ क्यों नहीं, आपने जिसका कर्जा लिया आप खुद ही उतारो ना, खुद ही कहाँ से उतारूं, खुद ही कहाँ से उतारूं, मैं चले जाऊँ क्या उसके साथ, हाँ चले जाओ, अच्छा चले जाओ, फिर तेरा बाप का क्या होगा, चले जाओ, चुप से समझा दी हूँ, जितना बात समझा दी हूँ उतना करना है, और उसके सामने जैसा पटरा पटरा अपना ये मुंह है ना, ये मुंह देखो सब जगह चप्पर चप्पर तेरा जवान चलता है, एक बित्ता का जवान बना रखी है, दिनों से मैंने आपसे बोला ही क्या है, कितने साल हो गए आज तक मैंने आपको कुछ बोला है, तो जब मैं फैसला कर चुकी हूँ तो मना क्यों कर रही है तू, चुप से चली क्यों नहीं जाती उसके साथ, मुझे नहीं रहना उस लड़की के साथ, वो लड़का अच्छा नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं रहना, नहीं तेरे लिए तो परी आएगा, तेरे लिए परा आएगा, राजकुमार आएगा तेरे लिए, है ना, उसके साथ खुश नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है, हाँ तो खुश जितना खुश रखना चाहिए वो रख लेगा तुझे खुश, तुझे पहले से तूने फैसला कर लिया मैं खुश नहीं रह पाऊंगी कि ये सब नहीं पहन पाएगी, महंगा महंगा सोच रही है, अरे बहुत पैसे वाला है बहुत अच्छा से रखेगा तेरे को, मैं जानती हूँ उसको, पैसों से मुझे कोई लेना देने, मैं तो खुद ही कमा के अपना रह लूंगी, खुद ही कमा के रह लूंगी, वो बस इतना ही है, जब तक जवानी है ना तभी तक तेरे को लग रहा खुद ही कमा के रह लूंगी, जवानी ढल जाएगी एक दिन, समझी, आप समझ क्यों नहीं रहे, सब समझ रही हूँ मैं, तुझे समझना है मुझे नहीं, मुझे ज्यादा मत सिखा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, आप बताओ, आप तो मेरी मम्मी जैसी, आप मेरे आप अच्छा क्यों नहीं सोच रहे मेरे बारे में, तेरा अच्छा ही सोच रही हूँ, लोकेशन यही की दे रखी थी क्या, अरे हाँ क्या लड़की, हाँ बेटा यही है, देखो
अब देखो हो गया, मैंने इसको बात के लिए ले लिया, अब तुम इसको लो और लेके जाओ। हाँ छोड़ो मेरा, मुझे क्या हो गया, तेरे को खरीद रखा है मैंने, खरीद रखा है तो भाई मेरे मेरा हाथ मत, पैसा ले रखा है, कहाँ कौन है बेचारी, इधर आ इधर आ, ले रखेगा जो आप, इधर आ तुम, खरीद रहा हूँ चुकाएगा मेरा, सुनो चिल्लाओ मत पारक है, ये मेरी बात सुन, समझाओ, मैंने समझा दिया ना, समझा दिया तेरे को मैंने, बीच में मत बोलो मुझे तुमसे कोई मतलब, क्या दिखा रही है मेरे से बात कर, मुझे इनसे कोई मतलब, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे रहना, आपने इनसे पैसे लिया, इनसे लो, मुझसे मेरे पास जरूरत नहीं है, लबड़ लबड़ मत कर, समझी ना, मेरा हाथ छोड़, अरे मेरी बात सुन, तुम इसे लेके जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, तुम इसे लेके जाओ और तुम्हारा और मेरा कर्जा नहीं जाना, अरे जाएगी खुद जाएगी, जाइए कैसे नहीं, मम्मी जी सब समझ क्यों, मुझे इस इंसान के साथ नहीं जाना, मैं इस इंसान के साथ मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, किसको बुलाऊं तेरे को ले जाने के लिए, किसको बुलाऊं मैं, खुद ही देख, किसी को बुला रखी है क्या, मैं खुद ही देख, पहले ले चलो मेरे को लेके जाना, तू हट जा यहां से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तू यहां से चला जा, तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, मेरी बात चुप से रह, एकदम चुप, क्यों मैं चुप रहूं, इतने दिनों से चुप रही हूं मैं, आज नहीं चुप रह सकती, जितना बोलती हूं ना उतना सुना कर, समझी, मेरी मां ने कर्जा ले रखा है मुझसे, चल तू, सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, तू इसको लेके जा, तेरा मेरा जो कर्जा था ना वो खत्म, अरे जा तू, कैसे नहीं जाएगी, चल जा, मुझे नहीं जाना, मुझे बस नहीं जाना इस इंसान के साथ, मैं नहीं रहना चाहती, कर्जा कौन चुकाएगा मेरा, जो तेरी माँ ने पैसे ले रखे मेरे बाप को, कौन चुकाएगा, कर्जा लिया ना वो आपका कर्जा देगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बेटी कौन है, बेटी किसकी है फिर, बेटी मैं हूँ, बेटी बेटी की तरह मानती भी तो नहीं है मेरे को, अरे बेटी मानती हूँ तभी तेरा सुख सोच रही हूँ मैं, बहुत पैसे वाला है तेरे को अच्छा से रखेगा, कोई बात होती है ऐसे, कोई भी बेटी को अपने किसी के हवाले कर देता है, क्या सीन मचा मेरे को, इसी ड्रामे के लिए बुला रखा है मेरे को यहाँ पे, तुम तो बोल रही थी कि लड़की मतलब तैयार बैठी है, ये तो यहाँ पे मान ही नहीं रही है, यहाँ तो अरे मान जाएगी, मैं जानती हूँ इसको मान जाएगी, मानेगी कैसे नहीं, और नहीं मानेगी तो मेरे को दूसरे तरीके भी आते हैं, तो लेके तो चल नहीं रही है, देख लो, मुझे नहीं जाना इसके साथ, अच्छा ठीक है रुको मैं समझाती हूँ, क्या क्या दिक्कत है तेरे को, दोनों माँ बेटी ने क्या कर रखा है, क्या दिक्कत है तेरे को, बता मेरे को बता, मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, तो किसके साथ रहना है, मैं खुद ही देख लूंगी, बट मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, अगर तेरे को इसके साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, तू अभी चला जाए इसके साथ, क्यों जाऊँ मैं इसके साथ, मैं भेज रही हूँ इसे ले जाएगी, नहीं नहीं मेरे से, पैसे ले रखे मेरे बाप से इसने, तुम मेरे को लेके जाओगे मेरे को नहीं जाना, बोला है लेके जाओ, देख जाना तो तेरे को पड़ेगा, चाहे तू हाँ बोल चाहे ना बोल, समझे, ले जाओ इसको, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ इसको, मेरे को नहीं जाना बस, बात खत्म, मुझे कहाँ लेके जा रहा है इसको, कहाँ लेके जा रहा है इसको भाई, कर अरे मेरी बात, आप मेरे से बात करो ना, क्या बात करनी है आपसे, कौन हो आप, मेरे जानने वाला है वो, मेरी बेटी है ये, तो बेटी को क्या कर रहे हो आप, क्या कर रही हूँ मतलब, बेटी को क्या कर रहे हो, किसको दे रहे हो, अरे वो मेरे जानने वाला है, क्यों दे रहे हो लड़की को, रिश्तेदार है वो, सामान है क्या, मिठाई है वो, जाके उसको दे रहे हो आप, पार्क में बैठी है तो घर भेज रही हूँ ना, तो आप नहीं लेके जा सकते उसको घर, मैं कहीं और जा रही है, क्या कर रही है तेरी, कुछ नहीं, इससे क्या पूछ रहे आप, मुझसे पूछो, बोलने देना उसको, ये क्या बोलेगी, अपना ना थोड़ा मुंह बंद ही रख लो, नहीं तो मुंह ना आपका यहाँ पे तोड़ दूंगा मैं, समझ आई लड़की, आप मुझसे बात करो ना, चुप रहो, पैसे खा रखे हैं मेरे बाप से, कर्जा नहीं चुका पा रही है, कौन ये, अपनी बेटी दे रही है, मेरे बाप से इसने कर्जा ले रखा, हाँ, बोल रही कि पैसे नहीं दे पा रही, मेरी बेटी ले जा तू, क्या हो रहा है, तू तो कह रही है मेरा रिश्तेदार है ये, कौन है रिश्तेदार, ये लड़की है मेरी, ये तेरी लड़की है तो इसको क्यों दे रही है, बेच रही है क्या अपनी लड़की को, बेच नहीं रही तो क्या कर रही है, इसके बाप से तूने कर्जा ले रखा है तो उसका कर्जा उतारना, अपनी बेटी क्यों दे रही, जवान बेटी उनको, पैसे कहाँ से लाऊं मैं बताओ, तो पैसे के बलबूते पे अपनी बेटी देगी उनको, ये कभी ना कभी तो शादी करेगा तो मेरी लड़की से कर लेगा तो क्या दिक्कत है, तैयारी नहीं हो रही है, मैं तो लेके जा रहा हूँ, एक मिनट, उसकी शादी का जिम्मा वो उसने खुद ने उठाया, उसकी मर्जी चलेगी तेरी मर्जी चलेगी, उससे तूने कभी पूछा कि तेरे को उसके साथ शादी करनी है नहीं करनी, तो मैं उसकी माँ हूँ तो क्या फैसला नहीं ले सकती हूँ, क्या सगी माँ है तू, माँ तो हूँ ना, इस सगी क्या होता है, माँ हूँ मैं, सगी माँ है तू, उसके बाप से शादी करी हूँ तो माँ हूँ, सगी है तू, ऐसे माँ ऐसी भी होती है किसी को भी किसी की भी हाथ में सौंप देगी, अबे तू सगी माँ है क्या, ये सब पैसे है? कर रहा है, मेरे पैसे कब मिलेंगे, चुप हो जा, बकवास कर रहा है, पैसे 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 भाई, पैसे तो मेरे पैसे मिल जाएंगे, दो मिनट रुक जा, भाई मेरे पैसे नहीं है, लड़की चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, मेरी लड़की बाहर में जाए भाई, मेरे को पैसे दिला उससे, आप पैसे दो जी, पैसे नहीं मेरे पास, क्यों लिया कर्जा, अबे कर्जा देने से पहले पूछते नहीं हो गया, क्यों ले रहे हो, कब दुकाओ, कब दोगे, क्या करोगे, मांगने तो वक्त तो बड़े जल्दी, तो लड़की क्यों लेके जा रहा था, ये दे रही है, तू क्यों लेके जा रहा था, ये तो कह रही कि राजी है, ये तो यहाँ पे पता चल रहा है ये राजी नहीं है, ये शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रही था, शादी भी तो करेगा आज नहीं कल, मेरी लड़की भी तो बड़ी हो गई है, शादी कर लेगी, कर्जा भी चुक जाएगा, बेच रहे हो,
मुझे बेच नहीं रही हूँ मैं। लड़की जब देते है ना तो उसको खुशी में ना अपना गिफ्ट देते, दहेज जिसको दहेज बोलते हैं बहुत लोग उसको गिफ्ट बोलते हैं। आप तो लड़की की कीमत लगा रहे हो, कितने लाख रुपए ले रखे हैं? 6 लाख रुपए ले रखे हैं इसके बाप ने। क्या हो रहा है सब? अरे क्या हो रहा है सब? पैसे नहीं दे पा रही। तेरा ना मुंह तोड़ दूंगा मैं 2 मिनट में, समझ आ रही है तेरे? पैसे नहीं दे पा रही तो क्या करूं? तो अपनी बेटी को बेचेगी क्या 6 लाख रुपए के लिए? तो कौन सी मेरी अपनी बेटी है, जाए सौतेली है ना, सौतेली ही कर सकती है सब। तो क्या करूं फिर, इसको पालने में पैसे नहीं लगे मेरे? तेरे ना तो थप्पड़ मार दूंगा मैं, पालने में पैसे नहीं लगे। तूने इसके साथ क्या क्या बर्ताव करा तेरे को नहीं पता? नौकरों की तरह नहीं रखा तूने इसको हमेशा घर पे? खिलाती हूँ पिलाती हूँ और कैसे रखती हूँ और कैसे रखूंगी? पढ़ाई लिखाई हूँ, एक से एक पहन रही है। मैं खुद रोते तक जाती हूँ स्कूल भी इतनी मुश्किल से भेजती है। शर्म आ रही है आपको माँ बोलते हुए? सौतेली माँ है ना, जब तू इसको बेच रही है इसके पास 6 लाख रुपए में, और कह रही है कि इसको शादी की जरूरत है। शादी करनी है इसके साथ? शादी तो करनी है, कह रही की लड़की मेरी राजी है तो ले जा भाई, यहाँ पे आके पता चल रही है राजी नहीं है। जो लड़की की 6 लाख की मिलेगी उसी के साथ शादी करनी है तेरे को? 6 लाख की तो भाई बात ही नहीं थी, तो बात तो भाई सिर्फ मेरे को ये कह रही थी कि कर्जा नहीं, कर्जा ले रखा है इसने तो ये चुकाएगी ना, ये चुकाएगी उसका कर्जा, यही चुकाएगी वैसे तो। तो इसको क्यों लेके जा रहा? ये बोले की मुझे जाके कर्जा मांग, जा उधर, दे ही नहीं रही है ना उधर, बात कर, पैसे दे 6 लाख मेरे पास नहीं। कब तक? कब तक? अब मेरे पास नहीं है पैसे तो मैं कहाँ से कब तक? इतने साल हो गए मार चाहे इतने इतने मेरे को पैसे चाहिए पैसे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे। कब? कब नहीं है मेरे पास पैसे ना? कब? कब तक मिलेंगे फिर? नहीं है पैसे तो? अब नहीं है तो मैं कहाँ से लाके दूँ तुम्हें पैसे? 2 साल से मैं ना वेट कर रहा हूँ पैसे पैसे, कल कल कल, और परसों कॉल करके कहा कि मेरी लड़की मान जाएगी शादी के लिए। परसों कॉल करके कह रही है मेरी बेटी यहाँ पे मान गई है शादी कर ले, तुझे शादी की लड़की की जरूरत है तो तेरे को बेच रही है, शादी नहीं करवा रही। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, तो अलग ही सीन चल रहा है। अब तुम यहाँ पर ड्रामा करोगे तो क्या पैसा मैंने थोड़ी बुलाया उनको, मुझे क्या पता किसने बुलाया, इसने बुलाया होगा, इसके जानने वाला होगा ये। तो तेरे कौन सा दर्द हो रहा है? जानने वाला उसका भाई हूँ यार हूँ, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? तो पार्क में आके बैठी है इतने दिनों से आपकी मैं ये। अबे तो तू हरकत कर रही है, तेरे को पता तू कितनी गिरी हुई हरकत कर रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने? पता तो माँ बाप कर्जा बाप लेता है तो बेटा नहीं चुकाता है क्या? तो बेटा पैदा करना नहीं है मेरे पास बेटा। सौतेली बेटी से क्यों करवा रही है? अब जो है वो ही करेगी, ये नहीं करेगी। मैं ही करूं। ओ मैडम ये नहीं करेगी, क्या करती है तू? क्या करी है बताना मेरे को? मेरी हेल्प की है, क्या हेल्प करना है? मेरे को तू इसको लेके जा भाई, तेरा पैसा वसूल हो जाएगा। मेरे को पैसे दे, उसको लेके जा। अबे पैसे दे इसके, चले नहीं है मेरे पास पैसे, चल इधर, चल उधर, पैसे दे इसके, नहीं है मेरे पास पैसे। अबे थप्पड़ तेरे ना पैसे, नहीं है मेरे पास पैसे। मैं क्या क्वास कर रही है यहाँ पे खड़े होके, कब का ड्रामे लगा रखी है? सब तेरे वजह से हो रहा, तूने बुलाया, तू घर चल, तेरे को बताती हूँ मैं। क्या कर लेगी तू? वो घर चले फिर बताती मैं उसको। तू 6 लाख रुपए के चक्कर में अपनी सौतेली बेटी को बेच रही है, कर्जा तूने लिया तो तू भरेगी ना? इसने ठेका उठा रखा तेरा, इसकी सगी माँ होती तो लेने से पहले सोचती ना। नहीं है मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। थोड़ा मुंह बंद कर ले, समझ आ रही है? कर्जा तेरे को लेना इससे, आज के बाद लड़की के ऊपर अगर आंख उठाई है ना सालो, लड़की तो बात ही नहीं थी भाई। आके ना तुम्हारे ऑफिस में नंगा कर दूंगा तुम्हें, ये बेच रही है अपनी बेटी को, ऑफिस में नंगा कर दूंगा एक एक को। बेटी तो ये बेच रही है, उससे बात करो ना, बेटी तो ये बेच रही है, बिकने के लिए तैयार है। मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो कह रही की राजी है मेरी बेटी, तेरी माँ अगर तेरे को बेचे तो बिकने के लिए तैयार है? नहीं चाहिए मुझे, मुझे पैसे चाहिए फिर इससे। पैसे मैं रखूंगा उसको, मैं उठाऊंगा। अगर यही रख लेगा तो क्या बुरा है, तुम भी तो रखोगे ना? बहन तैयार में और बेचने में फर्क होता है, ठीक है? पैसे बचपन में अगर तेरे माँ बाप तेरे को बेच देते ना, जब तेरे को पता लगता है कि तेरा हाल बड़े होके क्या होता। पैसे कब तक? जब घर घर की ठोकर खाती है ना, कोई तेरे को अपनाता नहीं, जब तेरे को पता लगता। अरे तेरे लिए तो इतना ड्रामा हो गया यहाँ पे, क्या ड्रामा हो गया है? यही ड्रामा था क्या? बुला पहले से चुपचाप से आता, चुपचाप से इसको लेके चला था, इतना लफड़ा नहीं होता। तेरे को पता लग गया, आज के बाद लड़की के ऊपर आंख उठाई है तूने तो तेरी आंख ना यूं निकाल दूंगा मैं। तो उससे मतलब ही नहीं है मेरे को, तो मतलब पैसों से सिर्फ बस। कौन है ये? कोई पुलिस वाला है, कोई गुंडा है, क्या है ये? उसको मार रहा है, मुझे मार रहा, तू मरवा रही है ना? सच में बेचना है क्या उसको? बेचना नहीं, तूने अगर अब की बार अपने मुंह से उसको बेचने की बात कर दी ना, तेरे को इसी उम्र में बेच दूंगा मैं, समझी? पहले यार मेरे पैसे कब तक देगी पहले ये बता। इधर आ, चले जा यहाँ से। क्या चले जा, क्या चले जा, चले जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर ज्यादा। क्या तू आज के बाद
इसको नहीं देखेगा भाई, इससे तो मतलब ही नहीं है। इधर आ, मतलब नहीं तो आप ऐसे ही मेरे को किसी के भी हाथ में दे रहे हो, ये खुद ही अपने मुंह से बोल रहा है। ये तो कह रही थी कि मेरी बेटी राजी है शादी के लिए। राजी है कहाँ, यहाँ पे तो कुछ और सीन पता चल रहा है। मुंह तोड़ दूंगा 2 मिनट में आज के बाद अगर लड़की के साथ कुछ भी ऐसी हरकत करी है तो। समझ आ रही है? हाथ जोड़ के सॉरी बोल, हाथ जोड़, पकड़े इसका, हाथ जोड़, आ गया, हाथ जोड़, सॉरी, ढंग से हाथ जोड़ना सिखा इसको, कैसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे, अब बोल सॉरी, हाथ जोड़ के सॉरी, जो मैंने गलती करी ये कोई गिरी हुई औरत ही कर सकती है, जो मैंने गलती करी वो कोई गिरी हुई औरत ही कर सकती है। और आपने जो करा वो सही करा लग रहा आपको? मेरे पास कोई रास्ता नहीं तो मैं क्या नहीं है तो, ये तो मैं बचपन से माँ समझ रही हूँ और तुम इसको बचपन से बड़ा करके बेचने की सोच रही हो। ना अच्छा माना, मैंने आपकी हर एक हेल्प की, आपकी हर एक बात मानी, आप मेरे को ही क्या कर रही हो आप? तो जब से यहाँ पे आ रखी है ना, वो देख सामने कैमरा लगा पड़ा, दुनिया तेरी असलियत देख रही है कि तू कितनी बड़ी बिकाऊ है। आपकी असलियत दिखाने के लिए कि आप कैसी हो, आप आपको पता चले। उसको डिलीट कराओ कैमरा को, क्यों नौकरू तेरा, हटाओ नौकरू में तेरा, घर की बात ऐसे पब्लिक में मत लेके जाओ, पब्लिक तेरा पब्लिक ही निकाल दूंगा मैं। तुझे सीमा कैसी होती है, अपने बेटी तेरे जैसी सोतेली माँ कितना गिर सकती है आज ये पता लग जाएगा दुनिया वालों को, देखेगी सोतेली माँ में से ना लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि वो बेटी को बचपन से बड़ा कर क्यों रही है। बेटी का मानती थी मेरे को नौकरानी, अरे वो बड़ा करना ही चाह रही थी तुम्हें और कुछ नहीं, मेरे से पूछो। वीडियो चले यहाँ से, माफी तो मांग लिया, थप्पड़ मारूंगा एक और तेरे, माफी तो मांग लिया मैंने, वीडियो हटा दो, इसको धक्का मार के लेके जा, जैसे मर्जी अपने ऑफिस में लेके जा और अपना कर्जा ले, चल चल लेके जा इसको, लेके जा इसको, वीडियो डिलीट करा दो, चल चल लेके जा, छोड़ मुझे, पैसे कैसे निकलवाने, छोड़।